देखिए बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में उत्तल दर्पण के यूवी तथा एफ में संबंध स्थापित करना बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम एक उत्तल दर्पण M1 M2 बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है और जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है ये पॉलिश किया गया भाग होता है इस उत्तल दर्पण का। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए तल से होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है, और ये मुख्य फोकस एफ और ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। और इस दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु हम क्या रख दिए हैं, ए बी रख दिए हैं। तो इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के इस बिंदु पर क्या करती है, टकराती है, और जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी प्रकाश किरण देख लीजिए, वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, कहाँ, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में वक्रता केंद्र की ओर ये जाती नहीं, सिर्फ हमें आभास होता है, प्रतीत होता है। और ये प्रकाश किरण क्या है कि इस बिंदु से, दर्पण के इस बिंदु से टकराकर पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक, तो देखिए इसे हम भाषा में कैसे लिखेंगे, माना करके ये देख लीजिए, आप माना में लिखेंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुवीय मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। इसके मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु ए बी रखी है जिसके शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु आर पर टकराती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाली जो दर्पण के बिंदु एस पर टकराती है, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलते हैं जहां वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा इस माना में। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब इसे आगे ले चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब देखिए अगर हम एक त्रिभुज ले लें ए बी सी, इसमें देखो समरूप त्रिभुज के बारे में आपको बताए थे, समरूप त्रिभुज या समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बताए थे कि जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज, ये मान लेते हैं ए है, ए बी है, ये सी है, और दूसरा एक त्रिभुज और ले लिए, मान लेते हैं पी, ये क्यू, ए आर है ना, समकोणिक या समरूप त्रिभुज में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं क्या होती है, अनुपातिक होती है। जैसे ए बी अनुपात कितना, पी क्यू कर सकते हैं, और इस भुजा के संगत ये भुजा है आपका पी आर, तो ए सी बटे कितना, पी आर, अब बराबर बी सी का जो संगत भुजा है, बी सी का संगत भुजा आपका कितना है, क्यू आर। तो इस तरीके से क्या होती है, अनुपातिक होती हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज की भुजाएं, क्लियर। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम हल करेंगे, आप देखते रहिए, इसके बाद हल करेंगे। अब यहां से देखिए, अब हम त्रिभुज लेते हैं, इसमें त्रिभुज कौन कौन लेते हैं ये देख लीजिए, त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, देखिए ये पूरा त्रिभुज लिए हम ए बी सी, यहाँ से अगर देखिए यहाँ से चले और यहाँ आए और यहाँ से पुनः चले जाए तो आपके त्रिभुज का निर्माण होता है। तथा त्रिभुज अब लेंगे ए डैश, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, इसी त्रिभुज में देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, इसी त्रिभुज में ये आपका कितना है, मान लेते हैं सी है, ये आपका ए है, ये बी है, इसी में आपका एक त्रिभुज और बना है ए डैश बी डैश, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या कर दिए हम, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी है ना, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप त्रिभुज हम मान लेते हैं, समरूप, सम माने समान, रूप माने रूप, मतलब समान रूप का जो त्रिभुज होता है उसी को हम समरूप कहते हैं।
उनका आकार चाहे आप भिन्न ही हो, ठीक, लेकिन उनका जो रूप हो क्या हो, समरूप हो, मतलब समान हो, ठीक। अब देखिए त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, लिख लेंगे इतना, ठीक, समरूप त्रिभुज है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए बताया ना कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसमें से अगर आप देखिए ए बी, ये जो आपका ए बी है, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए उसके बाद आपका ये बी सी होगा, बी सी बटे क्या, ये आपका पी सी, बी सी बटे क्या, पी सी, ये आपका क्या है, भुजाएं हैं। अब इतना आप ध्यान देना, ओ सॉरी सॉरी, पी सी नहीं, ये आपका बी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण कितना, वन, समीकरण वन। अब देखिए यहाँ अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए आर एन, देखो आर एन एफ एक त्रिभुज बनेगा, देखो यहाँ से आप पैसे चले जाए, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से आर एन एफ एक त्रिभुज बनेगा, दूसरा त्रिभुज जिसमें बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो वही समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज की भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका आर एन, आर एन बटे ठीक ना ए डैश बी डैश बटे आपका कर सकते हैं एन एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ मतलब संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। अब यहाँ आप थोड़ी देर के लिए और देखिए जो आर्यन है आपका आर्यन है, तो देखिए ये जो आर्यन है ए बी के समांतर, मतलब जितना आर्यन की लंबाई है उतना ही आपका किसका है ए बी की, क्योंकि ये देखो ये मुख अक्ष के लंबवत है, ये सीधे चले जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, इसलिए जितना दूरी ये उतना दूरी ये होगी। तो जहाँ पर आपका आर्यन है वहाँ हम ए बी रख देंगे, ए बी रखने पर देखिए इसमें जहाँ पर आर्यन है वहाँ क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, तो आपको हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे क्या, बी डैश एफ, क्लियर। अब यहाँ मान लेंगे समीकरण कितना, दो, ये समीकरण कितना मान लेंगे, दो। आप अगर देखें ध्यान से तो समीकरण एक और समीकरण दो में जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट बराबर है तो राइट भी आपका क्या हो जाएगा, राइट भी आपका बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से। तो देखिए समीकरण एक, समीकरण एक और दो से अगर चले तो देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे कितना, बी डैश एफ, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए अगर हम एन एफ के देखें तो एन एफ से हमसे कुछ भी मतलब नहीं, एन एफ की कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप क्या करेंगे जहाँ पर एन एफ है वहाँ पर आप रखेंगे क्या, पी एफ। देखिए ये एन एफ जो है लगभग पी एफ के क्या है, बराबर है, ठीक है, जो आपका ये एन एफ है, एन एफ लगभग पी एफ के क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे थोड़ा भाषा में लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु R, बिंदु जो R है ध्रुव P के समीप होगा, क्या होगा, समीप होगा, ठीक है, समीप होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपका एन एफ है वहाँ पर रख सकते हैं पी एफ, क्या रख सकते हैं, पी एफ। तो यहाँ देखिए
जहाँ पर आपका क्या है एन एफ, वहाँ पर क्या रख सकते हैं पी एफ। तो यहाँ आप थोड़ी देर के लिए देख लें तो आपको जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे कितना बी डैश एफ, ये आपका समीकरण मान लेंगे कितना तीन, ये समीकरण कितना मान लेंगे तीन मान लेंगे। अब इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम हल करवाते हैं आगे। देखिए अब क्या करना है हमें, देखते जाइए आप। अब यहां पर हमें मान निकालना है और मान किसका निकालना है ये दिखा रहे हैं आपको। मान निकालना है आपको बी सी और बी डैश सी पी एफ और बी डैश एफ का। तो देखिए अगर हमें बी सी का मान निकालना है, बी सी का मान, अगर बी सी का मान निकालें आप यहां देख लीजिए, बी सी का अगर आप मान निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मान निकालेंगे तो बताएं जो आपका दूरियाँ होती है, दूरियाँ हमेशा दर्पण के ध्रुव और मुख अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो हम जब दूरी यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो साथ में पी भी लेंगे। तो देखिए यदि आपका यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक के हम दो भाग में बांटे ऐसे बी पी प्लस पी सी को, बी पी और पी सी को जोड़ दे तो आपका पूरा बी सी के बराबर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे दूरी को मापेंगे। अब देखिए अब हमें बी डैश सी, बी डैश सी का अगर मान निकालना है, बी डैश सी कहाँ है बी डैश सी का मान, बी डैश सी का मान निकालना है तो आप क्या करेंगे पूरा देखिए, बी डैश सी का मान निकालना है तो हमें पूरा पी सी में से बी डैश सी को हम क्या करेंगे घटा देंगे। सॉरी आप यहाँ बी डैश सी का अगर मान निकालेंगे, बी डैश सी का मान निकालेंगे तो आप इसमें से पी सी में से और पी बी डैश को घटाएंगे। देखो पी सी में से, देखो इस पूरी पी सी में से और पी बी डैश को घटाएंगे तो बी डैश सी आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक। और आगे देखिए इसी तरीके से हमें देखो पी एफ का मान नहीं निकालना, क्योंकि पी एफ का आपके यहाँ से यहाँ तक एफ होता है, यहाँ से यहाँ तक एफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है बी डैश एफ का, बी डैश एफ, बी डैश एफ का मान निकालेंगे तो क्या होगा कि हम बी डैश एफ का मान निकालने के लिए क्या करते हैं पूरा पी एफ जो है पी एफ माइनस पूरे पी एफ में से, ठीक ना, पी बी डैश कितना पी बी डैश, पी बी डैश को हम घटा देंगे। देखो बी डैश एफ हमको निकालना है, क्या निकालना है बी डैश एफ, बी सॉरी अब याद है, हाँ सही है, बी डैश एफ निकालना है तो आप क्या करेंगे पी एफ में से पी बी डैश को क्या करेंगे घटा देंगे। अब देखिए अब यहाँ मान लिखेंगे हम पी सी बी डैश सी तथा बी डैश एफ का मान समीकरण, ठीक, इस तीन में रखने पर, रखने पर समीकरण तीन में रख देंगे तो देखिए समीकरण तीन आपका क्या है, समीकरण तीन है बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ, है ना। अब यहाँ से आप देखिए अब मान रख दिए बी सी का मान कितना है आपका, बी सी का मान पी बी प्लस पी सी और बी डैश सी का मान है आपका बी डैश सी, बी डैश सी का मान है पी सी माइनस पी बी डैश अब बराबर आपका पी एफ का मान निकालने की जरूरत है नहीं। अब बी डैश एफ का मान है आपका पी एफ माइनस पी बी डैश, क्लियर। अब उठाकर मान यहाँ आप रखिए, देखिए यहाँ मान लिखा गया आपका पी सी बराबर कितना है आर है, पी सी बराबर आर है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम R मानेंगे, ध्रुव से C तक की दूरी को हम क्या मानेंगे R मानेंगे और P से लेकर F तक की दूरी को हम माइनस सॉरी प्लस F मानेंगे, प्लस F मानेंगे और P से B तक की दूरी को हम मानेंगे क्या U मानेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी है, और P और B डैश तक की दूरी को हम क्या मान लेंगे V मान लेंगे। देखो यहाँ पूरा लिखा है पी से पी सी तक की दूरी को हम क्या मानेंगे आर और पी एफ को एफ, पी बी डैश को वी और पी बी को हम क्या मानेंगे माइनस के यू। तो यही मान यहाँ रखेंगे, पी बी का मान रख देंगे माइनस यू आप प्लस इसका मान रख देंगे आर, अब बटे इसका मान रखेंगे आर और इसका मान रखेंगे कितना वी,
बराबर इसका मान कितना होता है f बटे पी एफ डैश सॉरी पी पी एफ पीएफ का मान होगा f और इसका मान हो कितना v। अब देखिए हमें r की आवश्यकता नहीं है तो r बराबर रख देंगे 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगुनी और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। तो देखिए माइनस यू प्लस 2f बटे 2f माइनस वी बराबर f बटे कितना f माइनस की वी। ठीक, अब इतना आप नोट करिए, अब इसके बाद हम हल करवाते हैं, इतना नोट करिए। या तो देखिए यहाँ अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए अब इसके बाद हम यहाँ हल कर दे रहे हैं, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो माइनस यू प्लस की टू एफ एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा एफ माइनस की वी। ठीक, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा आप कितना एफ क्वेश्चन में टू एफ माइनस की वी। ठीक, अब देखिए अब इसका देखो अब हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा आप कितना माइनस की यू एफ, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस की यू वी, क्या हो जाएगा यू वी। अब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो हो जाएगा कितना टू एफ स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा टू वी एफ बराबर हो जाएगा, ये देखो इसका गुणा इसमें करेंगे टू एफ स्क्वायर माइनस वी एफ कितना वी एफ। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं बाएं पक्ष में, किसमें बाएं पक्ष में केवल हम यू वी को रोक करके सभी जो पद हैं उसे क्या कर देंगे दाएं पक्ष में कर देंगे। देखिए अब यहाँ देखो हम यू वी को रोक ले रहे हैं, यू वी को रोकेंगे तो बाकी जितने पद हैं हम दाएं पक्ष में कर देंगे। तो दाएं पक्ष में जो पहला पद है आपका कितना है टू एफ स्क्वायर, और इसका जो सजाती पद है क्या है यहाँ भी टू एफ स्क्वायर, जब ये बाएं में प्लस है दाएं में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना टू एफ स्क्वायर। अब देखिए अब उसके बाद हमें करना है, अब इसके बाद क्या है माइनस वी एफ माइनस वी एफ, अब वी एफ वाला पद ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो दाएं में हो जाएगा में प्लस में प्लस टू वी एफ। ठीक, इसी तरीके से हम सभी को कर देंगे क्या पंचांतर है ना, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में उठा कर ले जाएंगे। अब देखिए अब इसके बाद आपका है ये कितना प्लस के यू एफ इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो यू वी बराबर अब यहाँ टू एफ वी है यहाँ माइनस एफ वी है तो यहाँ हम इनमें से इसको घटा देंगे तो आपको हो जाए कितना वी एफ क्या हो जाएगा वी एफ, ये क्या है यू एफ है। अब हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करेंगे भाग देने पर तो भाग दे दीजिए तो यू वी अपान यू वी एफ बराबर यू एफ प्लस सॉरी वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको हो जाएगा वन अपान एफ। अब देखिए जो यू वी एफ है इन दोनों के पदों के होल बटे पर है तो हम अलग अलग कर देंगे तो वी एफ बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ एफ से एफ यू से यू यहाँ देखो वी से वी एफ से एफ तो आपको हो जाएगा वन अपान एफ बराबर वन अपान यू प्लस वन अपान वी, तो वन अपान एफ बराबर वन अपान वी प्लस वन अपान कितना यू। तो ये आपका सूत्र का निगमन मतलब यू वी एफ में संबंध स्थापित हो गया। देखिए बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।